जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट, इंटरेस्टिंग और डिलीशियस होने के साथ साथ इतनी सिंपल है ना, इतनी सिंपल है कि इसको बच्चे भी आराम से घर में बना सकते हैं। और ये रेसिपी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से बनकर तैयार होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभा कपिल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में आपका स्वागत करते हुए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं चॉकलेट फज की रेसिपी। ये बहुत जल्दी बन जाएगी और ये सबको पसंद भी आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको इस बनाने का मेथड किस तरह से है, ये मैंने जैसे कि आपको बताया दो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, सिर्फ ये दो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये जो कंपाउंड चॉकलेट होती है, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट आती है और डार्क चॉकलेट भी आती है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। एक्चुअली मैंने थोड़ी थोड़ी दोनों चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट भी ली है और थोड़ी सी मैंने इसमें मिल्क चॉकलेट भी ऐड की है। तो आप चाहे तो केवल किसी एक मिल्क चॉकलेट को भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो केवल एक डार्क चॉकलेट को ले सकते हैं। साथ में मैंने लिया ये आधा कप कंडेंस्ड मिल्क। ये कंडेंस्ड मिल्क मेरा घर का बनाया हुआ है, आप चाहे तो इसकी वीडियो देख सकते हैं, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दूंगी। अदरवाइज आप मिल्क मेड वाला भी कंपाउंड मिल्क ये ले सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल मेथड है, मैं आपको दिखाती हूँ उसको। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ये एक बॉल, इस बॉल में डालती हूँ ये चॉकलेट और साथ में ये भी मिक्स कर देती हूँ कंडेंस्ड मिल्क को भी, और इसको मैं बनाने जा रही हूँ माइक्रोवेव में। यदि आप इसको गैस स्टोव पे बनाना चाहें तो बड़े आराम से बना सकते हैं माइक्रोवेव की जगह, लेकिन उसके लिए आप इसको डबल बॉइलिंग मेथड को यूज करना होगा। और डबल बॉइलिंग मेथड का जो बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है वो मैं पहले अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको मिक्स कर दिया और इसको मैं डालूंगी माइक्रोवेव में। तो चलिए इसको मैं डाल देती हूँ माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए। नॉर्मली चॉकलेट को पूरा 1 मिनट नहीं डालते हैं, लेकिन इसमें कंडेंस मिल्क डाला हुआ इसलिए इसको 1 मिनट के लिए रखती हूँ मैं। देखिए 1 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई, इसको देते हैं अच्छा सा मिक्स। यदि आपको लगता है कि पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है तो आपको थोड़ी देर के लिए इसको और रख सकते हैं, जैसे मुझे लगता है अभी 20-30 सेकंड के लिए इसको और रख सकते हैं, तो मैं इसे 30 सेकंड के लिए फिर से रख रही हूं। कभी भी इसको ओवर नहीं करना चाहिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए रख रही हूं इसको। अब देखिए इसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अब देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसे मैं और इसको माइक्रोवेव नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को अच्छे से हम मिक्स करके ही इसको जो थोड़ा बहुत इसमें अभी रह रहा है पीस अनमेल्टेड उसको मेल्ट कर देंगे, इसको अच्छा देते हैं अच्छे से मिक्स। अब देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, कोई भी इसमें पीस अनमेल्टेड नहीं रहा। अब मैंने देखिए लिया है ये बॉल, आप प्लेट या कुछ भी जिसमें आप चाहें इसको ले सकते हैं, इसमें क्लिंग फिल्म या तो फिर बटर पेपर इसमें लगा दीजिए ताकि इसको निकालने में आसानी रहे, और इसको करते हैं इसमें पोर। देखिए मैंने इसमें सब पोर कर दिए, ये चारों तरफ मैंने स्प्रेड कर दिया। अच्छा अब वैसे ये बिल्कुल रेडी है, आप इसको बस पीसेस करके कट करके इसको जमा सेट करके पीस जमा कर और कट करके सर्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये जो मैं करने वाली हूँ, थोड़ा सा इसको गार्निश कर रही हूँ, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और इसको लुकिंग अच्छा करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने थोड़े से लिए हैं जेम्स, जैसे देखिए चॉकलेट के ऊपर एक और चॉकलेट वाटर नया गया ना। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको 3 तरह से डेकोरेट कर रही हूँ, कहीं कहीं मैं इसमें जेम्स डाल रही हूँ ये चॉकलेट वाले, चाहे तो आप चिप्स भी होते हैं ये चॉकलेट चिप्स वो डाल सकते हैं, व्हाइट चॉकलेट भी डाल सकते हैं। तो मैंने और एक साइड में डाल रही हूँ मैं ये कहीं कहीं बादाम और काजू, और आप चाहें तो इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी डाल सकते हैं। देखिए कहीं कहीं मैंने इसमें डाले हैं काजू बादाम, आप अखरोट या मूंगफली भी डाल सकते हैं इसमें। और देखिए इस साइड में डालूंगी मैं थोड़ी सी ये पर्ल्स, सिल्वर पर्ल्स, इसको मैं थोड़ा सा दबाऊंगी ताकि निकले ना, इसको हल्का सा मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें सेट हो जाए। आप चाहें तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सिल्वर पर्ल्स, गोल्डन पर्ल्स या तो फिर कोई भी अपने हिसाब से इसमें आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स।
अब मैं थोड़ी देर रखती हूँ सेट होने के लिए। देखिए ये सेट हो गई है थोड़ी सी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसमें बटर पेपर या क्लिंग पेपर, क्लिंग फिल्म या बटर पेपर लगा हुआ तो इसको निकालना आसान हो जाता है। और अब इसको मैं काट लूंगी पीसेस में। अब इसके हम, जैसे हमने तीन तरह की बनाई है, तीन तरह के पीसेस कटेंगे इसके। हम देखिए इसको निकाल लेते हैं बटर पेपर से बाहर। आप देख सकते कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट टेक्सचर की बनी है ये। आप चाहें तो इसमें मावा भी मिला सकते हैं, यदि इसको आपको थोड़ा हार्ड टेक्सचर चाहिए तो टफ टेक्सचर हो जाएगा इसका, मावा मिला सकते हैं। देखिए अब इसके मैं सब पीसेस जो है बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए अभी हमारे तीनों तरह की हमने ये फज निकाल ली है। एक में हमने जैम्स लगाए हैं, एक में ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं, एक में हमने ये स्प्रिंकल्स डाले हैं। आप चाहे तो अपने चॉइस के हिसाब से मावा डाल सकते हैं और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब आपने देखा हमने सिर्फ दो मिनट में, और दो मिनट में ये सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी तैयार की है। कितनी ईजी है ये तो आपने खुद ही देखा है। तो मुझे आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।